सर्जरी से पहले का हमारा वीडियो था उसका एक कंटिन्यूएशन है। जैसा कि आप देख सकते हैं उनका ग्रेड वन गायनेकोलॉजिस्ट था जो हमने ऑपरेट किया है। दिस इज द ओनली कट विच आई हैव टेकन एंड उस कट में भी जो हमने स्टिच यूज किया है दिस डिसॉल्वेबल स्टिच, ये वाटर प्रूफ रहते हैं, अंदर ही डिसॉल्व हो जाते हैं, काटने की जरूरत इनको नहीं पड़ती है और एक महीने के बाद निशान गायब हो जाता है, उससे दिखता ही नहीं है। दूसरा, इस सर्जरी के टाइम पे हमने निप्पल्स थोड़े से इनके पफी थे और निप्पल्स थोड़े से बड़े भी थे, तो मैंने स्लाइड निप्पल रिडक्शन भी किया जो कि आपको नहीं समझेगा क्योंकि आफ्टर सर्जरी जो निप्पल होता है उसका साइज थोड़ा सा कम होता है और स्लाइड निप्पल रिडक्शन किसी को मालूम नहीं चलता है। सो पफीनेस जो रहती है पोस्ट सर्जरी कभी कभी स्किन की निप्पल फोल्ड करने लगती है कुछ लोगों की जो उनको सर्जरी के बाद खराब दिखती है, वो प्रॉब्लम इसकी वजह से काफी कम हो जाती है जिसके लिए लोग को सेकेंड टाइम आना पड़ता है। If we can do this in the same setting of the surgery, then this problem is taken care of at the time of surgery. ठीक है। दूसरी चीज आप देख सकते हैं कि इनका ये जो shape है, वो एकदम normal है, is perfectly normal. अगर आप देखेंगे तो shape एकदम perfectly normal आ चुका है। तो आपको कितना दर्द हुआ इस operation के time पे? दर्द मुझे सिर्फ एक दिन ही रहा था, फिर उसके बाद पेन किलर जो मेरे खाने के लिए कहा गया था मैंने पेन किलर खाया, तो एक ही दिन मुश्किल से था और दूसरे सेकंड और थर्ड दिन तो मेरे को पता ही नहीं चला। पता ही नहीं चला क्या आपको कुछ था? बहुत अच्छा। अच्छा, आपने ये ऑपरेशन कब से करवाना चाहते थे? ये मुझे जब मैं 16 इयर्स का था तो मुझे मतलब पता चला कि गायनेकोमेस्ट्री ऐसे कुछ होता है ये, और मतलब एक बैलेंस की वजह से, तो उसके बाद फिर मैंने रिसर्च करना स्टार्ट करा, बहुत डॉक्टर्स मैंने सर्च करे, तो उसके बाद फिर मैंने आपसे भी कांटेक्ट करा था जब मैं 17 इयर्स का था, आपकी आपने मना कर दिया था, आपने कहा था कि 18 इयर्स का आप वेट करो, जब तक आप 18 के हो जाओगे तो फिर उसके बाद सर्जरी। ये बहुत जरूरी चीज है कि बच्चे जल्दी आते हैं। हमारा मानना ऐसा है कि अगर आपको ये ईस्ट्रोजन जो कि प्यूबर्टी टाइम में बढ़ता है उसकी वजह से हुआ है तो ये 18 तक ठीक हो जाना चाहिए। अगर 18 तक ठीक नहीं होता है तो हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। हाँ, हम 15 की उम्र में भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं, 16 की उम्र में भी कर सकते हैं। अगर आप साइकोलॉजिकली बहुत परेशान हो जाते हैं इसकी वजह से और आप अपनी नॉर्मल लाइफ इसकी वजह से नहीं जी पा रहे हैं, या सच में गायनेकोमेस्ट्री इतना बड़ा है जो कि आपको आपकी जो सोशल लाइफ है जैसे स्कूल जाना, पिकनिक जाना, कॉलेज जाना या फिर अपने फ्रेंड सर्किल जाना, वो आपको परेशान करता है, तो उस टाइम पे भी हम कर सकते हैं, लेकिन यूजली सर्जरी को 18 तक अवॉइड करना चाहिए। और दूसरा, सर्जरी के बाद आपको कितनी खुशी? सर्जरी के बाद जो मेरी टी शर्ट थी पुरानी थी और जो मैं लेकर रखा था, मैंने ये सोचा था कि सर्जरी के बाद वो वेयर करूंगा, अब मैं मतलब इतना कॉन्फिडेंस हो गया कि मतलब मैं वेयर कर सकता हूँ, कोई भी प्लेस पे जा सकता हूँ। तो जो तुम टेप लगाते थे अब लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी? अब लगाने की जरूरत नहीं है। वेरी गुड। चलो तो दोस्तों, हमने कोशिश की आपके कई सारे क्वेश्चन के हम इसमें जवाब दे पाए, जो कुछ क्वेश्चन आपके रह गए होंगे वो भी आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर हम कोशिश करेंगे अगले वीडियो में। एक और चीज जो यहाँ पे डिस्कस करनी है कि पोस्ट सर्जरी रिकवरी कैसे रहती है। तो मैं यूजली अपने पेशेंट को डे 3 बुलाता हूँ सर्जरी के बाद फर्स्ट ड्रेसिंग के लिए। उस टाइम पे अंदर एक मोटी पट्टी रहती है जो कि आप देख सकते हैं निशान पट्टी के, जो कि हमने आज निकाल दी है, और उसके बाद ये आज से ही साबुन लगा के नहा सकते हैं। एक छोटा सा ट्यूब मिलता है जो कि वो यहाँ लगा सकते हैं, और उसके बाद एक बैंडेड रहती है, 2 रुपए की हैंडी ब्लास्ट आती है, वो आप लगा करके 4-5 दिन फिर आप वापस से प्रेशर गारमेंट है जो पहन सकते हो। ऑपरेशन के बाद कुछ 10 दिन तक मैं पेशेंट को बोलता हूँ कि वो भारी काम ना करें, जैसे भारी वजन ना उठाएं, दौड़े नहीं, भागे नहीं, अपना जो कार एंड बाइक है उसको अवॉइड करें चलाना, बाइक पे बैठे भी ना। 10 दिन के बाद कार बाइक चला सकते हैं, 15 दिन के बाद जॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं, 20 दिन के बाद रनिंग कर सकते हैं, 25 दिन के बाद एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं, और 25 दिन से 1 महीने के बाद हम जिम चालू कर देते हैं, और जो आपको प्रेशर गारमेंट दिया है वो हम बंद कर देते हैं। ठीक है, ऐसा जिस ऑपरेशन का बॉडी पे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है क्योंकि हमें एक्स्ट्रा ऑपरेशन निकालते हैं जिसकी हमको जरूरत है। कुछ लोग का सवाल होता है प्रेशर गारमेंट को लेकर, तो ये प्रेशर गारमेंट है जो कि हम अपने पेशेंट को देते हैं। आप देख सकते हैं कि प्रेशर गारमेंट पूरी एक्सिलरी क्रीज तक जाना ही चाहिए। क्यों जाना चाहिए? क्योंकि यहाँ तक हम लाइपोसक्शन करते हैं, तो लाइपोसक्शन करने में इस पार्ट में काफी स्वेलिंग आती है। अगर प्रेशर गारमेंट आपका काफी डीप है तो ये पार्ट बाहर बल्ज करेगा, बल्ज करेगा तो यहाँ स्वेलिंग आएगी जो कि पेशेंट को बहुत पेनफुल हो जाती है। दूसरी चीज, प्रेशर गारमेंट जो आपकी सर्जरी हुई है थोड़ा सा नीचे होना चाहिए, क्योंकि यहाँ तक हम कभी कभी लाइपोसक्शन करते हैं, बहुत नीचे तक होने की जरूरत नहीं क्योंकि इस वाले पार्ट को कवर करते हैं जो प्रेशर गारमेंट में। उनको बाद में पेट पर दिक्कत आती है, खाना खाने के बाद पेट बहुत दब जाता है,
पेट के अंदर उनको प्रॉब्लम आती है, तो इतना पैसा गारमेंट काफी है। अगर आप देखेंगे तो ये कंफर्टेबली पहने हुए हैं, शोल्डर भी अच्छे से पूरा एक्सपोज है, मूवमेंट भी नॉर्मली पूरा कर सकते हैं इसको पहनने के बाद। तो ये इनको एक महीना पहनना रहता है और ये 3 दिन तक नहीं निकालते हैं। 3 दिन के बाद बुला के जब मैं फर्स्ट डे पट्टी करता हूँ उस टाइम पे मैं इसको निकाल देता हूँ, फिर हम पट्टी को निकाल देते हैं, फिर ये वापस से पहन लेते हैं। डेली इसको निकाल के नहा सकते हैं, ये वॉशेबल भी है, तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको धोना है तो आप धो सकते हैं। सुबह नहाने से पहले इसको धो के डाल दीजिए, 2 से 3 घंटे या 4 घंटे में सूख जाएगा। जब तक आप प्रेशर गारमेंट नहीं पहनेंगे तो चलेगा। और ये एक महीना पूरा पहनना रहता है, रिलीजियसली पहनना रहता है। कभी कभी अगर आपकी हीलिंग बहुत अच्छी है तो मैं बोलता हूँ 20 डेज के बाद आप नाइट को ना पहनो, सिर्फ दिन में पहन लो, या आप जब बाहर काम कर रहे तब पहन लो। अगर ऐसा है कि घर में कोई फंक्शन है आप ये नहीं पहनना चाहते हैं तो 10 दिन के बाद 2-4 घंटे के लिए आप नहीं पहनेंगे या फंक्शन के टाइम पे नहीं पहनेंगे तो भी चलता है। तो ये हुआ हमारे प्रेशर गारमेंट के बारे में। इसके विषय में कोई और सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।